डेली पोस्ट पंजाबी दे नाल तुसीं लगातार जुड़े हुए हो। इस वेले दी वड्डी खबर सिंघू बॉर्डर दे नाल ही जुड़ी हुई है, जिथे किसान लगातार अंदोलन कर रहे ने खेती कानूनों के खिलाफ। इस दौरान उत्थे कतल हो जाता है, जो कि बेदबीकरण एक व्यक्ति आता है और निहंग सिंघां दे वल्लों उस व्यक्ति का गुट वड्या जाता है, लत्त वड्डी जाती है और कतल करने तो बाद बैरीकेडिंग के उपर जी लाश है वह टंग दी जाती है। तस्वीर तो भी सामने आईया सी, निहंग सिंघां ने इसका जोड़ा कतल नूं कबूलनामा भी आया, उन्होंने कबूल किया है कि साढ़े वालों जोड़ा कतल किया गया। और इस दौरान वही खबर यह है कि हूँ इसे लैके एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है किसानों के वलों, संयुक्त किसान मोर्चे के वलों एमरजेंसी मीटिंग का सद्दा दिता गया। संयुक्त किसान मोर्चे के सारे वे आगू जोड़े ने इस मीटिंग शामिल होंगे, अपना पक्ष रखेंगे। आखिरकार वो की कहते हैं इस घटना को लैके, वड्डा बयान जिहड़ा उस सामने आएगा। फिलहाल जिहड़े सारे किसान ने संयुक्त किसान मोर्चा के जिन्हें भी आगू होंगे इस मीटिंग दे विच करीब 12 बजे जिहड़ी मीटिंग होगी, ठीक है, इस तो पौने एक घंटे बाद जिहड़ी मीटिंग होगी और उस तो बाद किसान जिहड़े ने इस मामले लैके अपना जिहड़ा पक्ष रखेंगे। की कार्रवाई होंदी है जां की कोई वड्डा ऐलान किया जाता, नज़र सब दियां टिकियां रहणगियां, क्योंकि अज जो एक घटना वापरी है तड़के 3 बजे करीब की घटना दसी जा रही थी। तड़के 3 बजे एक व्यक्ति धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के जिहड़े रुमाला साहिब से उसको खिलार रहा है और उस तो बाद बेदबीकरण की कोशिश कर लगा सी। तो इस दौरान निहंग सिंह जो कि घोड़ा बनन आ रहे थे, तो उन्होंने वालों देखा गया तो उस व्यक्ति को रंगे हाथी जिहड़ा काबू किया गया। दसया जा रहा है कि जिस दौरान उस व्यक्ति को काबू किया गया, उसने कबूल किया कि उसने 30,000 रुपया बेदबीकरण के लिए लिया सी। और कौन है ये पिछे, बेदबी करवाई किसने है, इस बारे हाल तक पता नहीं लग पाया कि आखिरकार ये 30,000 रुपया आया कितों है। पर यह तुम जरूर दस देने कि यह व्यक्ति तरन तारण का रहने वाला है और पहला ये निहंग सिंघां दे नाल रहिंदा हुंदा सी और उस तो बाद जिहड़ा बेदबीकरण की उसने कोशिश की। जो निहंग सिंघां दे वल्लों देखा गया तो उन्होंने आके पहला कुटमार की है और उस तो बाद ही जिहड़ा उसका जी एक लत और एक बांह जी यानी कि गुट के कोलों जी बांह वढ़ दी गई है, उस तो बाद उसकी लाश में जरा लटका दिता गया। हालांकि पुलिस ने लाश उतारन की कोशिश की पर निहंग सिंघां ने साफ मना कर दिता कि लाश जी उतारी नहीं जाएगी। और उस तो बाद उत्थे किसान आगू बलदेव सिंह सिरसा पहुँचते हैं और उन्होंने वालों जी लाश है वह उतरवाई जाती है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस जी है FIR दर्ज करने की कोशिश करी कि किसने शिकायत दी है हाल तक नहीं पता लगा, पर पुलिस तक जी शिकायत है एक व्यक्ति के खिलाफ जी जरूर करवाएगी। पर तुम दस दें कि जिन्हों के नाम सामने आए हैं, कहा जा रहा है कि बाबा अमनदीप सिंह है जिन्होंने गुट वड्या सी और उत्थे ही जथेदार बाबा नारायण सिंह है जिन्होंने लत्तां वड्डियां सी। हालांकि दसिया जा रहा है इन्हें दो नाम जिहड़े जरूर सामने आ चुके ने, पर फिलहाल जिहड़े ने उन्होंने अपना कबूलनामा दिता है, खुद आप बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तुहानू एक बार उन्होंने कबूलनामा सुनाने किस तरीके दे नाल पूरी वारदात होंदी है करीब 3:30 बजे के करीब और उस तो बाद की कुछ उत्थे वापरदा है, खुद निहंग जथेबंदियां आप बयान कर दियां हुई नज़र आ रही ने। ਸੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਰਜੋਂ ਫੜਿਆ ਤਣਕੋ 3 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੱਬਗੜ ਵਾਲੇ ਮੂਲੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ ਲੱਤ ਵੜਦੀ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੜਦਾ ਲਮਕਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋੜਤੀ ਵੱਡੇ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਹ ਮੁਰਜੋ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੁੱਟ ਵੱਢਿਆ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਮੋਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰ ਲੈਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨੀ। ਆਏ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਦੇਵ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁੱਟ ਵੜਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕ ਵੜਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਪੰਥ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਟਰਾਂਦਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੇਵਦੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਗੋਟੀ ਵੱਟਦਾ ਦੀ ਲਾਤੀ ਵੱਟਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ आखिरी मौका और स्टूडेंट्स वास्ते जिन्हों की एप्लीकेशन कैनेडा लिए पहले रिजेक्ट हो चुकी है, कोर्स प्रोग्रेशन नहीं सी या कोर्स रेलेवेंसी ना होन करके रिजेक्ट हो चुकी है, फोन चको कॉल करो 90419 90419 हुण ये आखिरी मौका गवा ना लेना।